We are learning the topic Missing Numbers. नंबर वैल्यू ज़ीरो टू एटी नाइन सो आर क्वेश्चन इज फिल इन द मिसिंग नंबर्स अब आप जैसे देख रहे हो इसके अंदर हमारे पास कैटरपिलर के शेप हैं और उस कैटरपिलर शेप में आप देख रहे हो कि आपके पास कुछ नंबर राइट है और बाकी के सर्कल्स जो हैं वो एम टी हैं तो जो एम टी सर्कल्स हैं इट मीन्स आपको उसके अंदर क्या राइट करना है मिसिंग नंबर राइट करना है ओके okay? सो so, अब लेट्स टेक फर्स्ट कैटरपिलर आपको उसके अंदर देखना है कि जो आपके पास काउंटिंग सीक्वेंस है वो कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहा है ओके okay, जैसे कि इसमें आपके पास काउंटिंग जो है वो टू से स्टार्ट हो रही है तो आपको टू से आगे एक की काउंटिंग करनी है टू से फॉरवर्ड करना है ओके सो आर फर्स्ट नंबर इज़ टू 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 नेक्स्ट थ्री तो आपको काउंटिंग सीक्वेंस को चेक करते हुए उसका नंबर भी राइट right करना है एंड थ्री टू नेक्स्ट फोर 4 to next 5 but 5 is already written here and 5 to next 6 6 to next 7 7 to next 8 8 to next 9 but 9 is already written here 9 to next 10 10 to next 11 okay so missing number we done एंड आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय कैटर पिलर हैज डैश सर्कल्स आपको ये चेक करना है कि कैटर पिलर में कितने सर्कल्स हैं ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो कैटरपिलर में कितने सर्कल्स हैं इलेवन सो राइट डाउन इलेवन नंबर हेयर ओके एंड नाउ कम टू नेक्स्ट कैटरपिलर शेप अब आप इसमें देख रहे हैं इसमें जो काउंटिंग है नंबर वैल्यू वो सिक्सटीन से स्टार्ट हो रहा है तो आपको अब आप सिक्सटीन से काउंटिंग को ऑब्जर्व करना है और सिक्सटीन से आगे आप फॉरवर्ड करते जाएंगे ओके सिक्सटीन देन सेवेंटीन देन एटीन देन नाइनटीन ट्वेंटी इज इटन ऑलरेडी है ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स आपको काउंटिंग को एक बार फिर से रिवाइज़ कर लो ताकि जब आप मिसिंग नंबर करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ओके सो माय कैटरपिलर हैज डैश सर्कल्स आपको फिर से कैटरपिलर के सर्कल्स को काउंट करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व

एट सिक्सटी नाइन सेवेंटी सेवेंटी वन सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री ओके माय कैटरपिलर हैज डैश सर्कल तो अब इस कैटरपिलर के भी आपको सारे सर्कल्स को काउंट करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन सो थर्टी नंबर राइट ऑन द लाइन ओके कम टू नेक्स्ट माई फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू नेक्स्ट हेयर इज़ नंबर एटी टू तो आप एटी टू के आगे से आपको काउंटिंग को काउंट करना है ओके सो एटी टू देन नेक्स्ट एटी थ्री देन एटी फोर एटी फाइव एटी सिक्स 87 88 and 89 is already written here okay my caterpillar has dash circles so how many circles in this caterpillar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nine circles so write down nine number here come to next shape अब इसके अंदर जो आपके पास काउंटिंग है वो सेवेंटी फाइव से स्टार्ट हो रहा है ओके तो आपको सेवेंटी फाइव से काउंटिंग को ऑब्जर्व करना है सेवेंटी फाइव सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सेवन सेवेंटी एट इज़ रिटर्न सेवेंटी नाइन एटी एटी वन एटी टू एटी थ्री एटी फोर एटी फाइव एटी सिक्स एटी सेवन एटी सेवन इज ऑलरेडी रिटर्न हेयर ओके माई कैटर पिलर हैज डैश सर्कल्स तो आपको फिर से कैटर पिलर के सारे सर्कल्स को काउंट करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ओके सो माय कैटरपिलर हैज़ फोर्टीन सर्कल्स तो आज आपने मैम के साथ वर्कशीट डन की है मिसिंग नंबर ज़ीरो टू एटी नाइन तो इसके लिए इस शीट इस वर्कशीट को करने से पहले आप नंबर वैल्यू ज़ीरो टू एटी नाइन को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे उसके बाद आपने इस वर्कशीट को करना है क्योंकि ये वर्कशीट जो है ये मिसिंग नंबर की है तो जब आप काउंटिंग को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो इसको कर इस वर्कशीट को करने में आपको बहुत ही ईजी होगा ओके सो डू प्रैक्टिस और राइट चिल्ड्रेन सी यू इन नेक्स्ट मैथ वीडियो